जैसा कि आपको बताते चलें कि इस वक्त की बड़ी खबर ललितपुर जिले के थानाबाद क्षेत्र से सामने आ रही है, जहां क्षेत्र के वासी बार रोड स्थित गरिया पुल के नीचे आज सुबह एक युवक का सिर कुचला शव मिलने से इलाके में सनसनी फैल गई। घटना की सूचना मिलते ही थानाबाद पुलिस मौके पर पहुंच गई है। आप सभी को बताते चलें कि ललितपुर जिले के वार थाना अंतर्गत बारबासी रोड स्थित गरिया पुल के नीचे आज सुबह एक युवक का शव मिलने से हड़कंप मच गया। प्राप्त जानकारी के अनुसार मृतक युवक का नाम नंदलाल पुत्र चैनू कुशवाहा, उम्र लगभग 45 वर्ष, निवासी है कल्याणपुर मुहारा थाना जाकौरा बताया जा रहा है, और वह अपने साड़ू के पिताजी की 13वीं में शामिल होने के लिए बाहर थाना के गड़िया गांव आया था और उसके बाद रात में ही अपने घर के लिए निकला था, लेकिन सुबह उसका शव सड़क किनारे पड़ा मिला, जिससे पूरे गाँव में हड़कंप मच गया। हालांकि घटना का कारण अभी अज्ञात बना हुआ है, तो वहीं कई लोग अज्ञात वाहन की चपेट में आने से भी मौत होने का अनुमान लगा रहे हैं। घटना की सूचना मिलते ही थानाबाद पुलिस मौके पर पहुंच गई और पूरे मामले की बारीकी से जांच कर रही है। साथ ही जानकारी मिलने पर मृतक के परिजन भी मौके पर पहुंच गए हैं। ललितपुर लाइव टीवी के लिए बाढ़ से जितेंद्र यादव की रिपोर्ट।